पर बैठे हुए हैं, मैं इनसे विनती करूंगी जैसे ये रोज प्रकार हो रहे हैं इसे छुपाने के लिए, बंद करने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो कोई नहीं हो पाएगा। कोई किसी को जला देता है, कोई एसिड डाल देता है, कोई उसे मार देता है, कोई चाकू से उसे घायल कर देता है। अगर ये सब चीजें बंद करनी है तो इसके लिए हमें कुछ काम करना ही पड़ेगा। मैं सभी महिलाओं से आग्रह माननीय मंत्री जी सदन में बैठे सभी ने इस पे बात करना चाहिए और आपसे मैं बहुत रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज प्लीज माननीय हमारी बहनों सदस्यों ने जो महाराष्ट्र के बारे में चिंता उठाई है, मैं उनकी चिंता के साथ हूं। ये निर्णय करने का अधिकार महाराष्ट्र सरकार का है, इस सदन में उन्होंने अपनी बात उठाई है, महाराष्ट्र सरकार सुन रही है, हम भी अपनी ओर से उनको बताएंगे कि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। एक ओके अच्युतानंद जी सामान अच्छा एक एक मिनट अच्छा आप बैठे ना एक मिनट सर, जहां तक निर्भया का सवाल है सर, ये बात मैं बहुत विनम्रता से बताना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उनको फांसी की सजा हो गई, माननीय राष्ट्रपति जी ने उनकी दया याचिका को अस्वीकृत कर दिया, फिर भी कानून को जिस प्रकार से दुरुपयोग करके वो सभी सजायाफ्ता अपराधी उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, यह दुर्भाग्यपूर्ण है, ये उचित नहीं है। दिल्ली हाई कोर्ट ने आपने देखा होगा, सरकार खुद गई सर उस निर्णय के खिलाफ जो लोअर कोर्ट ने किया था। एक मिनट और सर, और हम सर बिल्कुल इसमें सख्त हैं कि निर्भया जो इस देश की बेटी थी उसको न्याय पूरा मिलना चाहिए और फांसी की सजा जल्द से जल्द होनी चाहिए, यह हमारा विश्वास है, यह हम कहना चाहेंगे। श्री अच्युतानंद साहब, इनसे विनती करूंगी जैसे ये रोज प्रकार हो रहे हैं इसे छुपाने के लिए, बंद करने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो कोई नहीं हो पाएगा। कोई किसी को